इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक प्रेस वार्ता दिल्ली में बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव, विधानसभा चुनाव तय हैं। और हम आपको बता दें, हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी की, यहाँ पर 25 सितंबर को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो वोटिंग होगी, लोग अपना वोट पोल करेंगे। हम आपको बता दें, इस बार नया क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि 370 हटने के बाद डिस्ट्रिक्ट रियासी के श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, 370 हटने के बाद यहां पर पहली बार विधानसभा इलेक्शन की वोटिंग होगी। हम आपको बता दें, अब देखना ये है कि किसके सर पर सजेगा ताज और किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार। हम आपको बता दें, क्या सरकार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार बना पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस, क्या सरकार बना पाएगी डीपीएपी के नेता। हम आपको बता दें, बड़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहला नुमाइंदा कौन हो, क्या वो बीजेपी का होगा या कांग्रेस का होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा या डीपीएपी का होगा, किसके सर पर सजेगा ताज, किसे चुनेगी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, किसके सर पर रखेंगे ताज, ये अब देखने वाली बात है। हम आपको बता दें, 25 सितंबर जाने की दूसरे चरण में ई डिस्ट्रिक्ट रेसी में वोटिंग होगी और इसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी वोटिंग होगी। और 4 अक्टूबर 2024 को जब बैलेट पेटियाँ खुलेंगी, तो उस पर कई लोगों की, कई मैंडेटेड की जो किस्मत होगी उसमें बंद होगी और 4 अक्टूबर 2024 को पता लगा दिया जाएगा, पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहला नुमाइंदा कौन होगा। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर रखें कि इस 2024 विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी बना पाएगी सरकार या कांग्रेस या एनसी या डीपीएपी की यहां पर बनेगी सरकार, और कौन होगा जम्मू कश्मीर का अगला सीएम। और सबसे बड़ी बात, ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी राय रखें कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पहला नुमाइंदा होगा वो किस सरकार का होगा। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि आपका कमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।